सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माय गुरुज, ऑल माय टीचर्स फॉर माय बीइंग एबल टू पुट अक्रॉस व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई हैव रिटन इनटू अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन और अ डायलॉग। एटलीस्ट एट द मोमेंट इट इज लाइक अ मोनोलॉग बिकॉज आई एम टॉकिंग टू एंड यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी। एटलीस्ट आई एम एबल टू पुट दिस अक्रॉस टू यू। व्हेन आई स्पोक अ कपल ऑफ वीक्स अगो, I had spoken about a topic that was called friendship with oneself. And the friendship with oneself was because once you become friends with yourself, within yourself, then you understand the oneness, which is the same among everybody. And that oneness will create that happiness, will create that peace within ourselves and in the way we deal with others. This is what I had spoken a couple of weeks ago. और पिछले हफ्ते जब मैंने बात की थी तो मैंने रिश्तों के बारे में बात की थी। आई हैड स्पोकन अबाउट फैमिली रिलेशनशिप्स, रिलेशनलेस रिलेशनशिप्स विद एवरीबॉडी। एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई हैड ब्रॉट आउट दिस आइडिया दैट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोशल आइडेंटिटी इज द फैमिली एंड द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ सोशल आइडेंटिटी दैट वी कैन थिंक ऑफ इज द नेशन। सो दीज आर द टू कॉन्सेप्ट्स दैट आई हैड प्रोबेबली एक्सप्लेन्ड लास्ट टाइम। तो इसी के चलते एक बात मैंने कही थी कि जब मैं पैदा हुआ था तो उस वक्त मेरा कोई नाम नहीं था, तो आगे चल के कुछ दिनों में माय पेरेंट्स गिव मी अ नेम, सो दे से लेट्स से दे डिसाइडेड टू कॉल मी सुरेश। एंड देन इन सम टाइम आई वाज टोल्ड दैट ही इज फादर, ही इज ब्रदर, ही इज सिस्टर एंड सो जो रिश्ते हैं उनके बारे में मुझे जानकारी दी गई थी। So what happened is, I said, we created an identity about ourselves. मतलब मैं अपने आप को जानने लगा कि मेरा नाम सुरेश है, मेरे पिताजी का नाम सुब्रमण्यन है और मेरे भाइयों का नाम फलाना है, ढिमका है। ये these things I started understanding. तो ये जो रिश्तों को जोड़ने का जो जोड़ने की जो परिभाषा है ये मैं समझा बचपन से। अभी चल के now if you tell me कि my name is not सुरेश and कि मेरा नाम ही नहीं है, मैं बेनाम हूं, तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं मेरा नाम सुरेश है। फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर्स नेम इज रमेश एंड समबडी हु डजंट नो हु सुरेश एंड हु इज रमेश एंड ही कम्स होम एंड सेज हां यू आर रमेश नो, आई विल से नो नो आई एम सुरेश। व्हाई? बिकॉज आई हैव क्रिएटेड दैट आइडेंटिटी विद माई सेल्फ दैट माई नेम इज मी। सो ये मैंने पहचान बनानी है अपनी। या किस कोई आके कहता है कि तुम्हारे पिता का नाम कुछ और है, सुब्रमण्यम नहीं है, मैं तो उससे लड़ पड़ूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पिता का नाम सुब्रमण्यन है। तो ये जो आइडेंटिटी है नाम के साथ में जुड़ा हुआ आइडेंटिटी है उसके लिए मैं लड़ पड़ता हूं। तो कहीं मुझे कह देगा कि बाबा तू बेनाम है, तो मैं तो यार नाराज हो ही जाऊंगा, स्वाभाविक है। बेनाम से मुझे एक गीत याद आती है, किशोरदा का गाया हुआ एक गीत है, फिल्म थी अनामिका। उस फिल्म में जो नायिका है उसका नाम नायक जानता नहीं है, तो उसको वो नायिका को नाम रखता है अनामिका और उसके नाम से एक गाना भी गीत भी गाता है, शायद आपको याद होगा। मेरी भीगी भीगी सी पलकों में रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तो भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी, हाल फिलहाल की बात है, एक ऑनलाइन शो मैं होस्ट कर रहा था और उसमें मेरे एक मित्र थे विजय करके, वो उन्होंने यही गाना गाया था। तो शो क्योंकि मैं होस्ट कर रहा था तो शो के दौरान मैंने कह दिया कि विजय यार ये अनामिका कौन है, जितना मैं जानता हूं तुमको और तुम्हारे परिवार को जानता हूं, तुम्हारी प्रेमिका और तुम्हारी पत्नी दोनों एक ही है मनीषा, तो ये अनामिका कौन है। तो शो के बाद में काफी बवाल मच गया हम तीनों के बीच में जब बातें हुई थी। तो दिस आइडेंटिटी ऑफ नेम is very critical to us because that is what is the way we understand ourselves. तो सवाल मुझे एक पिछले जो दो हफ्ते पहले जो मैं दोस्ती के बारे में बात की थी, मेरे एक मित्र ने एक सवाल मुझसे पूछा था कि यदि आप कहते हो कि किसी में अंतर नहीं है क्योंकि अंदर के भीतर के जो भीतर का जो inner self, the consciousness, the energy field, if it is the same and it is basically the personality layers which are different, then if why don't everybody recognize this? And why is there so much of conflict between people because of this? और इसी को चलते उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो इश्यू चल रहे हैं कई सालों से, कि चाहे जितना हम कोशिश कर लें, इंडिया की तरफ से कह रहा था वो कि हम कोशिश कर लें कि हम
दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, वहां से क्यों हमें बार बार इतने सारे नेगेटिव एक्शंस, टेररिज्म फलाना ढिमका, ये जो है ये क्यों होता है करके। तो जब मेंटल मेकअप इज द सेम फॉर एवरीबडी, वाई सच अ थिंग इज हैपनिंग। तो अभी एक बात समझने की जरूरत है, व्हाट इज द ऑपोजिट, आई मीन द रीजन व्हाई ब्रॉट अप दिस टॉपिक ऑफ रिलेशनशिप अर्लियर इन द अर्लियर वीक ऑल्सो वॉज टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इटसेल्फ। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ फ्रेंडशिप। वी विल ऑब्वियसली से इट इज एनिमी, मतलब अगर ये मेरा दोस्त नहीं है तो ये मेरा दुश्मन है। सो विच मीन्स दुश्मनी इज द ऑपोजिट द वे वी अंडरस्टैंड। बट ये दुश्मनी आती कहां से है? इफ वी से दैट यू नो एवरीबडी इज द सेम, तो ये दोस्ती के जगह दुश्मनी आती कहां से है? उसका मूल कारण ये है कि एक दूसरे को एक्सेप्ट ना करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बचपन में हम लोग खेलते हैं तो कोई बंदा थोड़ा बुली जैसा टाइप होता है, कोई थोड़ा सॉफ्ट होता है, और वो खेलते खेलते जो बुली है वो उस पर अपना रोक जमाने की कोशिश करता है, तो जो सॉफ्ट वाला बंदा है वो उसको पसंद नहीं करता, और बुली भी उसको पसंद नहीं करता क्योंकि बोलता है यार ये तो एकदम यू नो फीका सा बंदा है। तो वो आपस में जो रिफ्ट, जो नापसंदी है वो धीरे धीरे रिफ्ट बन जाता है, झगड़े होते हैं, छोटी सी नोकझोंक होती है। सो द बिहेवियर द एक्शंस दैट ईच ऑफ अस डू, व्हाट आई डू यू डोंट लाइक, व्हाट यू डू आई डोंट लाइक, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज क्रिएशन ऑफ दैट एनिमिटी। जो दोस्ती है उसमें दरार पड़ जाती है, दोस्ती जो होना चाहिए उसमें दरार पड़ जाती है। सो वॉट इज बेसिकली व्हाट कैन आई से द मेन रीजन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड यूर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। मतलब वॉट यू लाइक आई मे नॉट लाइक, वॉट आई लाइक यू मे नॉट लाइक। सो दिस पेयर ऑफ ऑपोजिट्स ऑफ वॉट वी लाइक एंड वॉट वी डिसलाइक बिटवीन बोथ ऑफ अस क्रिएट्स दिस sort of what can I say, the distance between us, and that distance we start judging each other. तो judging कभी तो इस हद तक चले जाती है कि बोल देते कि बाबा वो एकदम बंदा बेकार है, मैं आपके बारे में बहुत सारी बुराई करता हूं बाहर क्योंकि मैं आपको पसंद नहीं करता हूं, सिमिलरली आप भी मेरे बारे में बुराई करते हैं क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करते। सो दिस वाइडनिंग, दिस एनिमिटी इज एक्चुअली इट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस पेयर ऑफ ऑपोजिट्स ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स बिटवीन ईच अदर। तो इसी को चलते अगर हम लोग उस जो इंडिया पाकिस्तान का जो उन्होंने उदाहरण दिया था उसके बारे में हम लोग अगर सोचेंगे, तो लेट अस वी हैव टू गो बैक स्लाइटली इनटू हिस्ट्री। सो हिस्ट्री ये है कि ब्रिटिश आने से पहले, उससे पहले मुगल थे, मुगल आने से पहले कई राजा महाराजा थे, उसके पहले मतलब व्हेन यू गो ट्रैवल बैक, आई स्पोक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अखंड भारत, देयर वर इयर्स सेंचुरीज एंड सेंचुरीज अगो, वी वर प्रोबेबली फ्रॉम दिस साइड मे बी इन ईरान और सम प्लेस फ्रॉम दैट बॉर्डर, दिस साइड ऑफ अफगानिस्तान टू प्रोबेबली दिस साइड ऑफ वियतनाम, वी वर वन कंट्री रूल्ड बाय डिफरेंट रूलर्स। मतलब अपनी अपनी जगह में हम लोग संतुष्ट थे, खुश थे, अपने आप में मैनेज करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, जो वो what am I saying, this enmity, this differences came about and we started fighting amongst each other. तो ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ऐसा जो वहां से चल पड़ा है। और उसका जो लेटेस्ट हिस्ट्री हम जो अभी आज के इतिहास में जानते हैं is what we know probably about 70-80 years ago when we say that during the time of independence when the British were there, we wanted one country, some of the leaders at that time wanted one country, some leaders probably because of personal aspirations कि किसी को चाहिए था कि मैं इसका प्रधान बनूं, कोई बोलता था कि मैं इसका प्रधान बनूं, और ये सब हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिस्टिंक्शन है, ये आदमी ने क्रिएट किया है। किस वजह से क्रिएट किया है, या ज्योग्राफी हो सकता है कि बाबा ये मेरा ये तेरा, या बिलीफ सिस्टम हो सकता है कि बाबा मैं हिंदू तू मुसलमान, तो ये बिलीफ सिस्टम हो सकता है, या भाषा कि बाबा जो मैं भाषा बात कर रहा हूं वो भाषा तेरी नहीं है, तो उस चक्कर में ये डिविजन हो सकता है। तो ये कारण कई सारे हो सकते हैं। व्हाट आर दीज, दीज आर मैनमेड रीजंस जो उस वक्त की सहूलियत थी उसके हिसाब से हमने बनाया था। तो जब मुझे सहूलियतें, मेरे पसंद नापसंद की बात आती है, उस सहूलियत के हिसाब से मैं डिविजन क्रिएट कर लूंगा। मैंने एक बात बताई थी व्हेन आई वाज टॉकिंग दी अबाउट फ्रेंडशिप, आई स्पोक अबाउट दी वेयर आई सॉ दिस इन दोस स्पाई मूवीज बिटवीन दी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन इफ यू गो टू लुक एट इट। उसमें भी कई जगह मैंने पढ़ा है कि एक भूमि थी और एक जैसे लोग थे, और ऐसा हुआ कि बाबा उसमें एक बिलीफ को मानने वाले बोलते थे कि ये जगह मेरी है क्योंकि ये मेरे लिए
इम्पोर्टेंट है और दूसरे वाले बोल रहे थे कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे लिए ये जगह मुझे चाहिए. तो ये इस चक्कर में देर इज अ लॉट ऑफ ऑल्दो देर इज कॉमनैलिटी बिटवीन बोथ ऑफ देम इन अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट्स, ये जो डिफरेंस है ये वाइडन होते चला गया. तो नापसंदी जो डिसलाइक की बात है ना यहां तक चली गई कि यू स्टार्टेड हेटिंग ईच अदर, यू स्टार्टेड फाइटिंग ईच अदर, यू स्टार्टेड किलिंग ईच अदर. सो दिस कुड बी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. एंड सो ये जो चलता है तो क्या हो गया, वो हुआ जो हिस्ट्री में उसको आज भी भूल नहीं पाए, आज भी उसी को मन में रखे हुए हम कि बाबा वो हुआ है वो गलत हुआ है. गलत तो दोनों तरफ से हुआ है लेकिन अगर उसको रख के हम आज भी जीते हैं तो वी आर लिविंग इन अ पास्ट लेगेसी विच इज नॉट अलाउिंग अस टू मूव फॉरवर्ड, और वो हम जानते नहीं है, वो पहचानते नहीं है. आज भी उस गुस्से को, उस नापसंदी को यहां तक हम लेके चलते. वाई फॉर दैट, फॉर इंस्टेंस दिस इश्यू विच इज नाउ हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना, दिस डोकलाम एंड वेरियस अदर प्लेसेस वेयर देयर इज अ फाइट विच इज गोइंग ऑन. वाई? बिकॉज देयर इज अ हिस्ट्री इन विच दे क्लेम दैट दिस लैंड बिलोंग्स टू मी, एंड देयर इज अ हिस्ट्री व्हेन वी क्लेम दैट दिस लैंड वाज रॉन्गफुली ऑक्युपाइड बाय यू, and probably because of negligence from our side you think that this belongs to you, and so a lot of things are happening. to jagah us geography ko leke hai, kyun ye geography important hai, because it is my identity. kyunki main jaise maine kaha tha, my smallest unit of social identity is family and the largest unit of social identity is the nation. to jab bhi main apne aap ko dekhta hu, jaise maine kaha ki main suresh hu, main subramanian ka ladka hu, to ye jo identity hai usi tarah main indian hu, ये जगह मेरी है. सो व्हेन दिस आइडेंटिटी इज बीइंग थ्रेटेंड आई डोंट लाइक इट, सो आई एंटर इनटू कॉन्फ्लिक्ट. सो द कॉन्फ्लिक्ट का मूल कारण ये है कि जो हमने विभाजन किया है मेंटली, जिस चीजों के बारे में हमने विभाजन किया है उसी विभाजन को लेके हम जीते हैं, और उस विभाजन को हम लोग एकदम दृढ़ से पकड़ के रखे हुए हैं क्योंकि वी बिलीव दैट इज अवर आइडेंटिटी एंड दैट आइडेंटिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट एनी स्टेज. तो जब दो लोग, मैं आप, जैसे हमारे जैसे समझ लीजिए हम लोग नेता हैं, हम दो नेता हैं, दोनों अलग अलग, वी आर इन टू एंड्स ऑफ दिस स्पेक्ट्रम, यू बिलीव समथिंग आई बिलीव समथिंग. कुछ लोग मुझ पे विश्वास करते हैं तो वो मेरी जो बात है उसको मानते हैं, कुछ लोग आप पे विश्वास करते हैं तो आपकी बात मानते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज व्हाट टू पीपल, टू माइंड्स थिंक, और मे बी टू और मोर माइंड्स, दे थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर मैटर, a lot of people who believe in them, they start coming around to that point of view and this rift widens. तो ये जो छोटी सी जगह में, घर में भाई भाई के बीच में हो सकता है और ये दुश्मनी तक जा सकती है, जैसे दो देशों के बीच में जो दुश्मनी की बात जाती है, और वो किस हद तक चले जाता है, ये आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट किस हद तक चले जाता है, गुस्से में चले जाता है. एंड दिस एंगर टू व्हाट एक्सटेंट डस इट गो, टू सच एन एक्सटेंट दैट वी लूज द बैलेंस ऑफ अवर माइंड. हम क्या करते हैं हमें खुद को पता नहीं चलता. एक पुराने जो मिथल स्टोरीज हैं, जो हमारे पुराणों की जो स्टोरीज हैं, उसमें हम जानते हैं एक मुनि है दुर्वासा. तो दुर्वासा मुनि के सामने जाने के लिए लोगों को बहुत घबराहट होती थी. कारण यह था कि गुस्सा जो है उनके नाक के नोक पे रहता था, तो पता नहीं कि वो गुस्से में क्या कर जाए, शाप दे दें, तो फिर उसके उसी को चलते लोग उनके सामने जाते नहीं थे. तो अगर हम लोग इस गुस्से की बात करें तो जैसे हिस्ट्री है कि जिस बेसिस पे हमारा जो पार्टीशन हुआ था उसमें कुछ अधूरी बातें रहेगी, थिंग्स विच ऑट टू हैव बीन अटेंडेड टू वर नॉट डन और व्हाट एवर मे बी द रीजन. तो अधूरी बातें रहेगी, उसके लिए अभी लगता है कि वो जो अधूरी है उसको पूरा करना है, वो कर नहीं पाते, तो दे आर फ्रस्ट्रेटेड. तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से गुस्सा आता है. हमें गुस्सा आता है क्योंकि देयर इज एन इनजस्टिस, कि जो हो चुका है अभी उसको कुरेद के क्या फायदा. सो देयर इज एन इनजस्टिस इन द एक्शंस दैट आर बीइंग डन टुडे. तो इस गुस्से में क्या होता है, दोनों तरफ से देयर इज लॉट ऑफ तनाव, जो है तनाव है, तनाव के चक्कर में ऑब्वियसली देयर इज कॉन्फ्लिक्ट एंड अननेसेसरी ब्लडशेड, लोगों की मौत होती है. तो जो निर्णय लेते हैं वो कुछ लोग हैं, मतलब जो हीरोज हैं इसको काम करने वाले, सिपाही समझ लीजिए या फिर राजनीतिक लोग समझ लीजिए, ये काम करने वाले थोड़े हैं जो समझते हैं कि बाबा कम से कम डोंट अपसेट द एप्पल कार्ट, व्हाट इज गोइंग ऑन, लेट पीपल लिव हैप्पीली. बट एंड मासेस आल्सो वांट दैट पीस. बट व्हाट हैपेंस इज ये जो तनाव जो लोग क्रिएट करना चाहते हैं उस तनाव में ये भड़ास है वो निकलती जाती है. हालांकि जैसे मैंने कहा था पहले ही कि दोस्ती और अमन जो हम सबके अंदर ही है उसको हम वही चाहते हैं, हम और कुछ नहीं चाहते.
तो इसको चलते वी ऑल वॉन्ट टू बी पीसफुल एंड हैप्पी बट वी डोंट वॉन्ट टू बी एंग्री. तो गुस्से का जो परिणाम है वो तो भयानक होता ही है. तो देयर इज अ सेइंग बाय गौतम बुद्धा, बुद्धा सेज यू विल नॉट बी पनिश्ड फॉर योर एंगर, यू विल बी पनिश्ड बाय योर एंगर. इसको जरा आई मीन आई हैव डेल्ट विद दैट इन माय बुक, आई थिंक इट इज ऑन पेज 41 इन अ सब्जेक्ट कॉल्ड लव. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस लिटिल मोर. व्हेन आई एम एंग्री व्हाट हैपेंस, आई लूज ऑल माय मेंटल बैलेंस एंड आई येल, आई डू समथिंग, आई डू सम वेरी नैस्टी थिंग्स. गुस्से में मैं बहुत सारी खराब चीजें कर देता हूं. तो गुस्से में वो जो भी मैंने कर दिया सामने वाले के ऊपर, मेरा जो भी गुस्सा है उसके ऊपर मैंने कर दिया, ये घर वाले हो सकते हैं, बाहर वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. तो मैंने कर दिया, करने के बाद में क्या होता है, मेरी क्या हालत होती है, फॉर क्लोज टू हाफ एन आवर एटलीस्ट माई ब्लड प्रेशर इज हाई एंड माई माइंड इज एब्सोल्युटली एजिटेटेड, आई एम नॉट एबल टू थिंक स्ट्रेट. मैं बार बार अपने गुस्से को जस्टिफाई करने के लिए सामने वाले को दोषी ठहराते रहता हूं, अपने आप के अपने बारे में सोचता नहीं हूं. तो जो नुकसान मुझे उसके ऊपर पहुंचाना है, ये मुझे लगा कि मैंने उसके ऊपर नुकसान पहुंचा दिया है, उससे ज्यादा नुकसान मैंने अपने आप को पहुंचा लिया. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट बुद्धा सेज, यू विल नॉट बी पनिश्ड फॉर योर एंगर, यू विल बी पनिश्ड बाय योर एंगर, यू योरसेल्फ विल पनिश योरसेल्फ विद योर एंगर. तो ये जो एक्सट्रीम्स है इसको अवॉइड करना जरूरी है. तो गुस्सा मतलब क्या, गुस्सा नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट राइट. नो, बिकॉज समटाइम्स यू नीड टू गेट एंग्री. जो सवाल मुझे मेरे मित्र ने पूछा था उसके बारे में अगर सोचू, मैं एक उदाहरण की तरह से दे रहा हूं, बचपन का स्टोरी है ये. तो एक बच्चा था, पिताजी के साथ में कहीं बाहर गया, तो बच्चे को सुसू लग गई. तो बच्चा डैडी को बोलता है, डैडी डैडी मुझे सुसू करनी है, डैडी मुझे सुसू करनी है. पिताजी बड़ा एम्बैरस हो जाते हैं, तो बोलते हैं ठीक है, लेके जाते हैं. ऐसा एक दो बार होता है तो घर में जाके पिताजी बच्चे को बोलते हैं, बेटा अगर ऐसा है, कभी तुझे ऐसा लगा कि तुझे सुसू करनी है तो तू मुझे कह दे कि पिताजी मुझे गाना गाना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुझे सुसू करनी है. तो आगे चल के दो तीन बार ऐसे होता है कि बच्चा बोलता है मुझे गाना गाना है, पिताजी समझ जाते हैं कि उसको गाना गाना है, तो उसको लेके जाते हैं साइड में, हो गया. एक बार मेला देखने चलते हैं और पिताजी ने बच्चे को अपने कंधे पे लिया हुआ है और बच्चे को जोर से, पिताजी एकदम मशरूफ है कि उसको देख रहे हैं, मेला देख रहे हैं. तो ये कंधे पे बैठा हुआ ये बेटा बोलता है कि पिताजी मुझे गाना गाना है. तो पिताजी बोलते हैं मेले में ये सब चल रहा है, ये गाना गाएगा, डिस्टर्ब करेगा. तो बोलता है बेटा मेरे कान में गा ले. तो बेटा वहां पे सुसु कर देता है. तो बाप होता है नाराज, ए जोर से एक लगा देता है, ये थोड़ी ना करता है. अभी बच्चे की वैसे गलती नहीं है क्योंकि ही इज इनोसेंट, उसने वही किया जो उसके पिता ने पहले उसको शिक्षा दी थी. लेकिन अभी पिता को वो याद नहीं है और उस चक्कर में जो बच्चे ने किया है उस चक्कर में उसने क्या कर दिया, बच्चे को जोर से कान के नीचे लगा दिया. अभी बच्चा तो रोने लगा और ये पिता है तो बच्चे को सहलाया, बोला बेटा मेरी से भी गलती होगी, मुझे समझना चाहिए था कि मैंने जो तुझे बोला था वो उसी हिसाब से तूने किया है, तो मुझे क्षमा कर दे. मतलब ये क्या है, द एंगर इज अ टूल फॉर योर एक्सप्रेशन एट दैट पॉइंट इन टाइम बट दैट डज नॉट ट्रांसलेट इन टू योर बिहेवियर आफ्टरवर्ड्स. मतलब वो गुस्सा जो है वो भूल गया, पिता भूल गया, उस गुस्से को बच्चा भी भूल गया, बच्चा नाराज हो गया लेकिन बच्चा भी भूल गया. सो द पॉइंट इज दैट एंगर इज यूज एज ए टूल फॉर द मोमेंट टू एक्सप्रेस व्हाट इज इट दैट यू वांट टू एक्सप्रेस एंड देन ड्रॉप इट. बिकॉज इफ द एंगर स्टेज विथ यू द रेसिड्यूअल एंगर विल डिस्ट्रॉय यू मोर देन एनीथिंग एल्स. सो एक्सट्रीम्स इन थॉट, एक्सट्रीम्स इन एक्शन, ये इसी वजह से, मतलब दैट इज बिकॉज अराइजिंग आउट ऑफ योर एंगर इज वाई दिस कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज. जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं इस इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट की, एक पिक्चर आई थी बॉर्डर, वी ऑल नो दैट इज अ ब्यूटीफुल मूवी मेड इन द 1965 वॉर. तो उसमें एक गाना है विच द एंड लास्ट द एंड ऑफ द फिल्म देयर इज अ सॉन्ग. तो उसमें बेसिकली द डिपिक्शन इज, तू मेरा दुश्मन है बेशक लेकिन तू मेरा भाई भी है और हम जो लड़ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं हम खुद भी उसका कारण जानते नहीं है. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन उस गाने को मैं जरा दो लाइन गा लेता हूं आपके लिए. मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, मुझसे तुझसे हम दोनों से सुनिए पत्थर कुछ कहते हैं, बर्बादी के सारे मंजर कुछ कहते हैं, हाय
मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए ओ सो नो मैटर हम एनिमीज वी थिंक दैट वी आर एनिमीज एट द एंड ऑफ द डे वी आर मेड ऑफ द सेम मेटल हम भाई हैं अभी उसके बीच में हमने अपने पर्सनालिटी लेयर को लाके खड़ा कर दिया है विच इज बिकम कलेक्टिव पर्सनालिटी ऑफ द एंटायर नेशन बिकॉज वी रिकॉग्नाइज द नेशन एज आवर लार्जेस्ट सोशल यूनिट ऑफ आइडेंटिफिकेशन तो उस चक्कर में ये सारा जो है ये कॉन्फ्लिक्ट होता है इट्स बेसिकली व्हाट इट मींस कि अगर हम अपने आप को ईच ऑफ अस करेक्ट आवर सेल्व्स दिस एनिमिटी दैट इज देयर द एनिमिटी कैन बी कॉन्कर्ड ये ऐसा नहीं कि हम लोग इसको कॉन्कर कर नहीं सकते तो ये इसका कारण क्या है व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस व्हाट कैन आई से एनिमिटी ये इसका कारण क्या है बेसिकली इट इज रूटेड इन टेम्पटेशन ना टेम्पटेशन मतलब जो आपका है वो मुझे चाहिए जो मेरा है मैं आपको देना नहीं चाहता हूं तो ये दिस द टेम्पटेशन ब्रिंग्स अ डिल्यूजन एक ये क्रिएट्स एन इल्यूजन कि ये जो है मुझे चाहिए ये जो है मैं तुमको दूंगा नहीं दूंगा So this temptation leads to what is called as loss of discrimination. मतलब हम सीधे सोच नहीं सकते और सीधे नहीं सोच सकते तो इसकी वजह से विनाश भी होता है. For example, let's say that मैं अपने दोस्तों के यहाँ पे पार्टी में चला गया. मैं शराब पी रहा हूँ, वो भी पी रहे हैं और मैं निकलने वाला हूँ. मैं दो या तीन मेरा हो चुका है, मुझे गाड़ी भी चलानी है. तो मेरा दोस्त बोलता है One for the road. अभी वो वन फॉर द रोड उसने कहा इसके लिए उस टेम्पटेशन में मैंने वन फॉर द रोड ले लिया और गाड़ी चलाते चलाते बिकॉज आई एम नॉट इन माई सेंसेस एक्सीडेंट हो जाती है. दिस इज वन पॉसिबिलिटी. एक और पॉसिबिलिटी है कि भैया मैं पार्टी में हूं और मुझे डायबिटीज है और डॉक्टर ने कहा कि भैया मिठाई बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. तो खाना वाना परोस दिया और दोस्त बोलता है एक गुलाब जामुन. अभी वो टेम्पटेशन गुलाब जामुन मुझे अच्छा लगता है और मैंने खा लिया. शुगर लेवल बढ़ गया. अगले दिन डॉक्टर बोलता है तू पागल है, तेरा डोसेज में बढ़ा देता हूं. तो दिस टेम्पटेशन बिकम्स सो वी आर हैबिचुएटेड. इस टेम्पटेशन को हम शिकार हो ही जाते हैं एंड देन वी बिकम हैबिचुएटेड टू बिकम अ विक्टिम ऑफ दैट टेम्पटेशन एंड वी कैन से अभी मेरा दोस्त अगर जानता है कि मुझे डायबिटीज है वो मुझे देगा नहीं. मेरा दोस्त अगर जानता है कि मैं ड्राइव करने वाला हूं वो मुझे बोलेगा नहीं कि एक और ले. लेकिन अगर उसे फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब दोस्त मैं कह रहा हूं लेकिन वो बंदे को फर्क ही नहीं पड़ता तो वो तो मेरा दोस्त नहीं है ना. सो इट्स ए बैड कंपनी दैट इट इज इंड्यूसिंग मी टू डू समथिंग विच इज नॉट इन माय इंटरेस्ट. तो ये जो दुस्संग है इसको अवॉइड करना है. दुस्संग और इस टेम्पटेशन से हमें परे रहना है. इनफैक्ट देयर इज वन चैप्टर इन माई बुक विच इज कॉल्ड राइटफुल चॉइस. तो ये जो राइट चॉइस वाला जो है चैप्टर उसमें पेज नंबर 330 there is a sutra by from Narada Bhakti Sutra. I have written on that. I'll just deal with that briefly. The sutra says, Dussangaha sarvateiva tyajyaya kama krodha moha smriti bhramsha buddhi nasha karanat tarangayita apime sangata samudrayante. Evil company should be given up all times. Basically because evil company is the cause of lust, anger, delusion, loss of memory, loss of intellect, and in the process what happens is we ruin ourselves. So we, these negativities, if you are in a position to conquer and we get over this evil company, we get over these temptations, that is when we will be able to grow into becoming positive contributors to whatever work that we are doing. So ye temptation kya karta hai, hame bekarar kar deta hai, restless kar deta hai, wanting more, ye jo matlab ye bechaini hoti hai. ये बेकरारी में हम लोग जीते हैं. तो ये बेकरारी में क्या जीना जो है अपना वो संकट में हो सकता है. तो एक मुझे हेमंदा का एक गीत याद आता है. जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चला न कीजिए, खैर है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए, सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए. ये बेसिकली दिस सॉन्ग इज बाय योर इनर सेल्फ टू योर आउटर सेल्फ दैट यू आर कीप मेकिंग योर सेल्फ सो रेस्टलेस एंड यू आर गोइंग अवे फ्रॉम अस.
find yourself good company and you come back to me. That is how you have to deal with this restlessness. So when you're talking about dealing with this restlessness, understand the history of what I have said, what about our own, the identification between family, the nation, and the right union of minds to oneness, which is what oneness of mankind, which is what we are all made of. So wo jo acceptance hai, wo, that acceptance is what, even though we may be an independent identity from the personality level, that oneness we will be able to recognize, and we will grow to be happy and peaceful people. Is that what I can say? Thank you very much for this talk, and for share. I'm happy to share this with you. I will look forward to your suggestions about subjects. I have already got one subject, a very nice subject from one of my friends, which I will deal with in the next Sunday talk. And those of you who have not subscribed to Shukta Swaraj channel, do subscribe. We'll be more than happy to receive your comments too. Thank you. Hari Om.